दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने कहा कि सर, हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो पूरी दुनिया ये कहती है हमें कि अच्छी बातें याद करो और पुरानी और भूली बातें और जो खराब बातें हैं उसे हम भूल जाएं। तो दोस्तों, अच्छी बातें याद करना वो तो सही बात है सर, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सर, जो पुरानी बातें हैं या फिर कुछ खराब बातें हैं, इसे सर मैं कैसे भूलूं? उसको मैं जब जब भूलने की कोशिश करता हूँ, उसकी याद बहुत आती है। वो बार बार वही बात मुझे सताती रहती है। मैं कोई भी काम करता हूँ सर, तो वो काम में वो बात बीच में आ जाती है, बार बार बीच में आती है और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। दोस्तों, मैंने उसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने उसको कहा कि एक बार आप ऐसा समझ लीजिए कि आप एक स्कूल में जा रहे हो और आपके टीचर ने आपको ये कहा कि कल से आप जब स्कूल में आए तब साथ में आप लोगों को 100 टमाटर साथ में लाना है। बच्चे सोचने लगे कि सर, टमाटर का क्या काम है, क्यों हम साथ में लाएं? टीचर ने बोला, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, आप टमाटर हर रोज के 100 एक थैले में भरकर साथ में लाइएगा। जब तक मैं ना बोलूं तब तक ये टमाटर आपको हर जगह हर समय स्कूल के टाइम में साथ में ही रखने हैं। बच्चे बोले ठीक है। अब वो हमारे जैसे तो स्टूडेंट है ही नहीं, वो थोड़े आज्ञाकारी थे, तो बिना कुछ ज़्यादा सोचे बच्चों ने काम करना शुरू किया। दूसरे दिन से वो टमाटर लेकर स्कूल जाना शुरू कर दिए। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, चार दिन हुआ, पाँच दिन, छः दिन, सात दिन। दोस्तों, 7 दिन हो गए, टीचर ने अभी तक कुछ टमाटर का बोला नहीं और सभी बच्चों के मन में ये क्यूरियोसिटी कि क्या करना है इस टमाटर का, क्या करना है टमाटर का। 8वें दिन वो टमाटर थोड़ी सड़ गए, बिगड़ गए, उसमें से थोड़ी दुर्गंध आना शुरू हो गई। फिर भी बच्चों ने वो लेना शुरू रखा। 9 दिन, 10 दिन, 11वें दिन दोस्तों इतनी जबरदस्त दुर्गंध आती थी उस टमाटर के साथ में कि वो साथ में भी नहीं ले सकते थे। फिर भी कई बच्चों ने, जो बहुत ही आज्ञाकारी थे, वो सभी बच्चों ने टमाटर साथ में लिए और कई बच्चों ने टमाटर नहीं लिए। और 1-2 दिन निकल गए, उसके बाद दोस्तों वो दुर्गंध तो ऐसी हो गई थी कि मान लो टमाटर का थैला साथ में ले तो पूरी स्कूल में उसकी दुर्गंध आए। फिर मेजोरिटी बच्चों ने वो टमाटर को छोड़ दिया। 1-2 बच्चे ऐसे थे जो डट कर अपने आज्ञाकारी थे और गुरु जी की बात मानना चाहते थे, उन्होंने जबरदस्ती टमाटर साथ में रखा। फिर 15वें दिन गुरु जी आए और गुरु जी ने पूछा कि बच्चों, मैंने आप लोगों को टमाटर लाने का बोला था, कितने लोगों के पास है? 1-2 बच्चों के अलावा किसी के पास भी टमाटर नहीं थे। गुरु जी ने बोला क्यों? सभी बच्चों ने आंसर दिया कि गुरु जी, 7 दिन तो हमने रखे थे लेकिन उसके बाद आपने तब तक कुछ बोला नहीं और टमाटर बिगड़ गए, उसमें से जबरदस्त दुर्गंध आना शुरू हो गई। और गुरुजी, इतनी दुर्गंध आती थी कि हम साथ में भी नहीं ले पाए। तो गुरुजी ने फिर बच्चों को ये बात सिखाई कि बच्चों, लाइफ में जो भी खराब घटनाएं हमारे जीवन में घटती है उसमें से जो सीखना चाहिए वो सीख लो और बाद में उसको भूल जाओ, क्योंकि वो पुरानी बातें, वो गलत बातें और वो खराब बातें हमारे जीवन में इस टमाटर की दुर्गंध के अनुसार हैं। अगर आप उसे साथ में रखेंगे तो आने वाली नई बातें उसमें भी ये दुर्गंध फैलती जाएगी और जाते 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 आपकी जिंदगी में भी ये दुर्गंध फैलती जाएगी। इसलिए दोस्तों, ये सारी बातों को साथ में नहीं लेना चाहिए। मैं एक सेंटेंस कहना चाहूँगा, जिंदगी भर याद कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारी गलती ये है कि हम सब लोग अपने पुराने एक्सपीरियंस से अपनी विचारधारा बदल देते हैं। अब जरा सोचिए, गौर कीजिए कि मान लो हमारा पुराना एक्सपीरियंस फेलियर का है या कोई नेगेटिव है, तो अभी की करंट की हमारी विचारधारा कैसी बनेगी? ऑफकोर्स फेलियर की, ऑफकोर्स नेगेटिव। तो फ्यूचर की जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे वो बेसिकली किस पर डिपेंड है? आज की विचारधारा के ऊपर। इट मीन्स कि फ्यूचर की भी एक्सपीरियंस और या फ्यूचर वो भी नेगेटिव हो सकता है। दैट्स व्हाई मैं यहां पे कहना ये चाहूंगा कि आप अपनी पुराने एक्सपीरियंस से अपनी विचारधारा बदलिए।
इससे ज्यादा बेटर यह है कि हमारी आज की विचारधारा पॉजिटिव और हिम्मत वाली रखें, ताकि फ्यूचर का एक्सपीरियंस आपका 100% पॉजिटिव रहेगा और हिम्मत वाला रहेगा। दोस्तों लगातार हमारे वीडियो देखते रहिए और हमें इसमें कमेंट करते रहिए कि आप और कौन से वीडियो देखना चाहते हैं, किस विषय पर जानकारी लेना चाहते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएं, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।